अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल घाटा के लिए किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स, रानिया के हस्बैंड दानिश को बहुत बुरा मौत मिला। व्यूअर्स, उसकी अपनी माँ की वजह से, उसकी माँ ने रानिया को ख़त्म करना चाहा, लेकिन वो अब सारा उम्र तड़पेगी इस दर्द में कि मेरी वजह से मेरा अपना बेटा ख़त्म हुआ और बर्बाद हुआ। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो रानिया को कहेगी कि रानिया मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रानिया कहे कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से मेरा बाबा भी चला गया और मैं ज़िंदगी भर अपने बाबा के लिए तड़पूंगी और रोऊंगी, और अब तुम अपने बेटे के लिए बेरो, क्योंकि तुम्हारी अपनी ज़िद की वजह से और तुम्हारी अपने अना की वजह से तुम्हारा बेटा गया। व्यूअर्स, अगले किस्त में आप देखेंगे कि रानिया तो खुद ब खुद वो आज़ाद हुई और अब वो हमजा के साथ शादी करेगी। व्यूअर्स, अगले किस्त में आप देखेंगे कि सना और इसकी माँ दोनों हमजा के घर आएंगे और व्यूअर्स हमजा से भी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हमजा भी उसे माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमजा कहे कि तुम लोगों ने रानिया पर बिल्कुल जुल्म की हद पार की है और तुमने कभी भी इसके साथ इंसाफ नहीं किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब इसका कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि दानिश चला गया तो इसके घर में कोई मर्द भी नहीं रहा। व्यूअर्स, क्या आप हमजा और रानी को एक होना चाहते हैं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।